जो पत्रकार वार्ता है वो एक तो सबको सबसे पहले जितने भी त्यौहार पीछे हुए और आने वाले त्यौहारों के लिए शुभकामनाएं। दूसरा जो आज का मुद्दा है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूट को लेकर है। जिस तरह आपने देखा कि लगभग 4 साल से लगातार पूरी काउंसिल और सारे साथी मिलकर उधमपुर के विकास के लिए प्रयासरत थे और आज भी हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमारे किए हुए कार्य आज जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं। चाहे रोड्स ले लें, चाहे ट्रांसफार्मर्स ले लें, चाहे हेल्थ की व्यवस्था देखें, जहाँ जहाँ हमारा दायरा था पंचायती राज इंस्टीट्यूट का, हमने उसको ठीक करने का प्रयास किया है। और बहुत सारे काम जो हैं वो पीछे हुए हैं और कुछ के काम अभी अभी शुरू हो रहे हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो हमने सरकार के साथ मिलकर बहुत मेहनत की है सभी साथियों ने, और मेहनत करने के बाद आज ऐसे ऐसे कार्य हमारे जो एरिया है वहाँ हो रहे हैं कि जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत बड़े बड़े रोड्स और प्रोजेक्ट्स जो है वो लोकल स्तर पर हमारे यहाँ आए हैं। लेकिन आज का जो इसके साथ एक लगता मुद्दा ये है कि बड़े दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे ही चुनाव हुआ है और चुनाव खत्म होने के बाद जगह जगह हम देख रहे हैं कि कुछ साथी हमारे ही वो जा रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन करना कोई बुरी बात नहीं है, जिनको प्रोटोकॉल दिया है उनको मैंडेट मिला है वो उद्घाटन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मेरा ये कहना है कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम सब मिलकर जनता के काम करें और अपना दायरा समझें कि हमारा दायरा क्या है, किस दायरा तक हम जा सकते हैं, उस दायरे को देख कर हम काम करें। अगर हम एक दूसरे के डोमेन में घुसने की कोशिश करेंगे तो उससे जनता का भला नहीं होगा, आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और जमीनी स्तर पर जो काम करने हैं वो कर नहीं पाएंगे। तो जिन चीज़ों का क्रेडिट लेने का प्रयास हो रहा है वो लें, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा आप सारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना है कि एक बार ये जरूर चेक किया जाए कि ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन हो रहे हैं इनका टेंडर कब लगा, इनका पैसा कब सेंक्शन हुआ, और उसके बाद हमारे किए हुए कार्यों का अगर कोई क्रेडिट लेना चाहेगा तो उससे उनका भी भला होने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जाएं जनता के बीच में, कुछ नए कार्य लेकर आएं, जनता के बीच में और अच्छे काम हो उसके लिए वो प्रयास करें। और जितना हमें आज तक सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट के अंदर अगर 20,000 का काम भी होगा तो उसका भी हम फीता काटेंगे। तो मेरा ये मानना है कि फीता काटने के अलावा अगर डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, जैसे स्मार्ट मीटर्स की बात चल रही है, तो क्या 24x7 बिजली लोगों को मिल पा रही है क्या, उसकी चिंता करें। क्या लोगों को पानी मिल पा रहा है क्या, उसकी चिंता करें। जो दायरा हमारा है उससे ऊपर उठकर जो दायरा अब उन लोगों का बना है, क्या वहाँ पर किस तरीका से वो प्रोजेक्ट कर पाते हैं, उन चीज़ों की अगर चिंता की जाएगी तो मुझे लगता है लोगों का भला होगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना हम कंट्रोवर्सी को अवॉइड करेंगे उतना लोगों की भलाई हो पाएगी। तो ये जो फीते वाला काम है इसको छोड़कर डेवलपमेंट के काम की तरफ अगर ध्यान दिया जाए, और जो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो आज काम शुरू हो रहे हैं ये सारा का सारा श्रेय जो है वो काउंसिल को जाता है, क्योंकि काउंसिल के टाइम पर ये सारे काम जो हैं वो लाए गए हैं और आज होने जा रहे हैं। चाहे आप सलमे वाला ब्रिज भी जब देखेंगे वो भी काउंसिल की देन है, चाहे मजालता वाला ब्रिज देखेंगे वो भी काउंसिल की देन है। लगभग 19 बार उसका टेंडर लग चुका है और उसमें कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी नहीं आ रही थी। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनको आने में समय लगता है और जब आते हैं तो इनको ज़मीनी स्तर पर उतारने में भी समय लगता है। इसलिए कोई उन चीज़ों का क्रेडिट लेने चल पड़े तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे और उसमें मैंने कुछ हमारे सरकारी अफसर देखे, वो उद्घाटन कर रहे थे उनके साथ मिलकर। मेरा उनसे भी सवाल है कि कृपया कर एक बार प्रोटोकॉल्स की जो लिस्ट है उसमें ज़रूर देखें कि चेयरमैन जो हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन उनका कौन सा रैंक है, और जो अभी चुनकर आए हैं उनका कौन सा रैंक है। और इसके साथ ही मेरा जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरी जहाँ तक जानकारी है विदाउट द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन कोई भी उद्घाटन जिले के अंदर नहीं हो सकता है। उसका कारण है क्योंकि ही इज़ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन, जो कि जिले को पूरा देखेंगे ओवरऑल, और जो
एमएलएज का दायरा है, हमारे जो ऑनरेबल एमएलएज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल का दायरा है, वो सेक्टोरल ऑफिसर को बुला सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, वो माननीय है, मैं उनके ऊपर कोई वैसी टिप्पणी नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी शुरुआती समय है, जितना इस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करेंगे उतना सबके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले दिनों में जनरल हाउस की भी हमारी जो है वो मीटिंग होगी, वहाँ भी हम बात रखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक बार आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचा दी जाए कि जो भी काम अभी तक हुए हैं और जिनका उद्घाटन कोई भी अभी कर रहा है वो उनके खाते में नहीं है। अमित जी, ये तो भाजपा की जो है पुरानी आदत रही है फीता काट कर कैबिन लेने की। आप इससे पहले भाजपा में थे, नासी टनल जो है वो कांग्रेस के टाइम में बना था, प्रोजेक्ट वो जो अटल सेतु है वो कांग्रेस के टाइम में बना था, रेलवे स्टेशन कांग्रेस ने बनवाया था, लेकिन फीता आप लोगों ने काटा था, तब आपने इस बारे में नहीं बोला, लेकिन आज आप इस बारे में बोल रहे हैं। नहीं ऐसा है, आज आपको फीताशाही से डर लग रहा है, पहले क्यों नहीं लगता था? ऐसा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आपका सवाल जो है बिल्कुल जायज़ है कि फीताशाही, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर प्रोटोकॉल में आता है तो काटिए, मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर वहाँ पर प्रोटोकॉल था तो ऑफिसर्स आए थे वहाँ पर, उनकी प्लेट्स और वो लगा है, अगर आपको उनको लगता है कि उनका प्रोटोकॉल वहाँ बनता है और वहाँ पर प्लेट लगाई जा सकती है तो वो लगाए ना, कोई मना थोड़े कर रहा है, मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि क्या लीगल मायने में ये ठीक है क्या, ये लोकतंत्र के लिए ठीक है क्या, सिर्फ इतनी सी बात। डीडीसी चेयरमैन क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? देखो ऐसा है कि हम भी काउंसिल के साथी हैं, हमारा एक रेजोल्यूशन जो है वो गया है परसों का, मैं उसमें नहीं था क्योंकि मैं कहीं व्यस्त था, रेजोल्यूशन गया है और आने वाले हमने तो ये भी रिक्वेस्ट की है कि मीडिया को भी अलाउ किया जाए अंदर। अब वो कितनी बात हमारी मानते हैं, हमने कहा है कि एक बार मीडिया भी अंदर आए, वो भी देखे कि किस किस्म से हाउस चलता है और लीगली क्या है। अगर हम साफ हैं तो तभी हम कह रहे हैं कि सब पारदर्शी होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। तो हम तो इस बात को, जो आपने सवाल कहा, मैं सिर्फ इतना सा मेरा एक बार फिर क्लैरिटी दे दूं कि मेरा वहाँ ये ऑब्जेक्शन नहीं है फीता क्यों काटा जा रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके दायरे में अगर आता है तो वो काटे। और पंचायती राज इंस्टीट्यूट अपने आप में सक्षम है, जिसमें डीडीसी अब बीडीसी नहीं है और पंचायत आती है, वो अपने आप में एक अलग इंस्टीट्यूट है, उनका अपने आप में एक दायरा है, तो उसमें अगर इंटरफेरेंस होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी तो चलो पंचायतें नहीं हैं, जब पंचायतें बन जाएंगी, बीडीसी बन जाएंगे, अभी सिर्फ हम हैं, तो ये फिर और ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, और जब कंट्रोवर्सी बढ़ेगी तो लोगों की डेवलपमेंट कम होगी और फीते की तरफ ध्यान ज़्यादा होगा। इसी इन्हीं चीज़ों को कह रहा हूँ कि हम सबको मिलकर लोगों की भलाई के लिए काम करना है। मुझे भी इनविटेशन आया था फीता काटने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया, उसका कारण था क्योंकि मुझे लगा कि जो प्रोटोकॉल की वायलेशन हो रही है, हमारे चेयरमैन साहब को नहीं बताया गया है, उनकी कंसेंट नहीं ली गई है, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ आ जाए।